हमारी आइडेंटिटी हमें देंगी इज्जत, वो कमा के देंगी आपको पैसा, वो कमा के देंगी आपको प्रशंसा, शोहरत, बड़ा नाम, क्रेडिट वर्दीनेस। जितना ज़्यादा आप जीतते जाओगे, जितना ज़्यादा आप सफलता पाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका नाम होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले बांधते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, लगता है कि वो करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये करूँगा तो मुझे बहुत हैप्पीनेस लगेगा, ये करूँगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। आता भी है, बंगला बांधने के बाद में वास्तु शांति करते हैं, 2-4-8 दिन अच्छा लगता है, बाद में रूटीन में आ जाता है, या गाड़ी लेते हैं 2-4 दिन घुमाते हैं, बाद में रूटीन में आ जाता है, पेपर में नाम आता है अच्छा काम किया करके। आज का जो पेपर है कल की रद्दी है, वेस्ट पेपर है कल का। तो फिर ये सब करने के बाद में फिर लगता है कि भाई मुझे शांति क्यों नहीं है, हैप्पीनेस क्यों नहीं है, समाधान क्यों नहीं है। सब है, पैसा है, आराम है, टाइम है, लोग हैं, तभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिमाग में पूरा भरा हुआ रहता है, वो अधूरा, वो अधूरापन, वो अधूरापन, वो अधूरापन, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, एक तो कंप्लीट करते नहीं है, या फिर जो हुआ है वो नहीं मिल रहा है उसके बदले और कुछ तो भी तैयार करते हैं। देखिए, मेरे पास में आम नहीं है, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, आम नहीं है, तो मैंने क्या किया, संतरा लिया, संतरा खाया चाव से, ऑरेंज जूस भी बनाया, बर्फ भी डाला, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगा, मगर आम तो मिला ही नहीं। आम का कॉम्पेंसेशन किया, आम नहीं मिला, तो फिर ये कैसा, आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, उसके लिए हम कॉम्पेंसेट करते रहते हैं, और फिर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और वो मिलता नहीं है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम जहाँ हैं वहीं खुश है, जहाँ हैं हियर एंड नाउ, जो जगह है वहाँ, और जो क्षण है वहाँ, आप एकदम खुश है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपको किसी के पीछे भाग के, किसी के पीछे दौड़ के कुछ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। आप कितने सारे लोगों के नाम लो, बहुत सारे लोगों के नाम, ऐसे नाम, ऐसी सूची आपको मिल जाएंगी, उनके जैसा पैसा, उनके जैसा नाम, उनकी जैसी प्रशंसा कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमको मिलेगा, मगर उसमें से काफ़ी सारे लोग, उन्होंने उनको डिप्रेशन आया, कुछ लोगों ने सुसाइड किया, कुछ लोग पागल हो गए, कितना सारा खुशियाँ नहीं मिली, सब मिलने के बावजूद भी। तो मुझे वो देखना पड़ेगा, वो खोजना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली हमको मिसिंग क्या है, और जहाँ है वहाँ है, जैसे है वैसे है, और जैसे नहीं है वैसे नहीं है। एक्सेप्टिंग एंड लविंग सेल्फ, खुद का स्वीकार करना, खुद के ऊपर प्यार करना, और जिस कंडीशन में है जैसे है वैसा ठीक रहना, वो यदि हम करेंगे तो लाइफ में मजा आएंगे। थैंक यू वेरी मच।